नमस्कार, टेकी पॉइंट में आपका स्वागत है और शुरू करते हैं हमारा डेली टेक न्यूज। तो सबसे पहली खबर की बात करते हैं YouTube के बारे में। तो YouTube का YouTube Go जो कि लॉन्च होने वाला था, उसका बेटा वर्जन आज इंडिया में लॉन्च हो गया है, एंड्रॉइड प्ले में आ गया है। आप जाते हैं एंड्रॉइड प्ले स्टोर जो है, प्ले स्टोर में आप जाके सर्च कर सकते हैं। ये आ गया, बेटा वर्जन आ गया है और इसमें जो फीचर दिया गया आपको पहले से पता होगा, पहले से भी लॉन्च हुआ था लेकिन और एक बार इसको लॉन्च कर दिया है और इस बार एंड्रॉइड प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा। और इसमें जो खासियत है, यूट्यूब शेयरिंग का वगैरह दिया गया है और अगर आपका नेट स्लो है तो उसमें भी ये चल सकता है, ऐसा कुछ यहाँ पे बताया गया है। अगली खबर की बात करते हैं तो Xiaomi के बारे में। Xiaomi का Mi Pad 3 लॉन्च हो गया है चाइना के अंदर। और इसमें क्या है, तो ये फुल मेटल बॉडी के साथ लॉन्च हुआ है और जो थिकनेस है 6.9 mm का उसका थिकनेस है और स्क्रीन जो रखा गया वही सेम रखा गया, 7.9 का स्क्रीन रखा गया। और क्या कुछ स्पेशल हुआ है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो स्क्रीन की बात करते हैं, 7.9 इंच का यहाँ पे आपको फुल एचडी वाला स्क्रीन मिल रहा है जिसका पीपीआई है 326 पीपीआई है। प्रोसेसर की बात करते हैं तो मीडियाटेक का MT8176 वाला प्रोसेसर मिल रहा है। जी हाँ, यहाँ पे आपको क्वालकॉम का नहीं मिलेगा, मीडियाटेक का प्रोसेसर मिलेगा। रैम रोम की बात करते हैं तो 4 GB की रैम मिलेगा और 64 GB की स्टोरेज के साथ ये आ रहा है। एंड्रॉइड मास मिलो के ऊपर बेस है, MIUI 8 तो रहेगा ही रहेगा। कैमरे की बात करते हैं तो 13 MP का रियर कैमरा मिल रहा है, 8 MP का फ्रंट फेसिंग कैमरा मिल रहा है। और क्या कुछ मिल रहा है, तो वाईफाई मिल रहा है और यहाँ पे सिम ऑप्शन नहीं दिया गया है शायद से। जी हाँ, यहाँ पे सिम ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, यूएसबी टाइप सी मिल रहा है। और बैटरी की बात करें तो 6400 mAh का यहाँ पे आपको बैटरी मिल रहा है। अब इसका कलर की बात करते हैं तो गोल्ड, ब्लैक, ब्लू कलर में आपको अवेलेबल हो जाएगा। और ये कीमत रखा गया है 14,000 rupees इसका कीमत रखा गया है और ये अवेलेबल होगा अभी चाइना में और शायद से आ सकता है इंडिया में नेक्स्ट 2-3 मंथ के अंदर, शायद से, पता नहीं। अगली खबर की बात करते हैं तो अगली खबर अनर की तरफ से है। तो अनर का अनर 8 प्रो लॉन्च हो गया है, तो क्या कुछ उसका स्पेशल है उसके बारे में बता। तो स्क्रीन की बात करते हैं 5.7 इंच का यहाँ पे आपको क्वाड एचडी डिस्प्ले मिल रहा है, ऑक्टाकोर प्रोसेसर मिल रहा है जो कि 960 प्रोसेसर है किरिन का, हुआवे का खुद का प्रोसेसर है। 6 GB की रैम मिल रहा है, 64 GB की स्टोरेज के साथ ये आ रहा है। हाइब्रिड सिम स्लॉट मिल रहा है यहाँ पे आपको, 12 MP का रियर कैमरा मिल रहा है। पीछे की तरफ आपको डुअल कैमरा सेटअप है, जी हाँ, पीछे की तरफ आपको डुअल कैमरा सेटअप मिल रहा है, 2 12 MP का कैमरा मिल रहा है और सामने की तरफ 8 MP का फ्रंट फेसिंग कैमरा यहाँ पे आपको मिल रहा है। और क्या कुछ मिला, तो फिंगरप्रिंट के साथ आ रहा है, 4G मिल रहा है, वोल्टी मिला है, यूएसबी टाइप सी मिल रहा है। बैटरी की बात करते हैं तो 4000 mAh का यहाँ पे आपको बैटरी मिल रहा है और जो कीमत रखा गया है 38,000 rupees इसका कीमत रखा गया है। अब बात करते हैं हुआवे के बारे में। तो हुआवे ने Y5 नाम से एक फोन लॉन्च कर दिया है और क्या कुछ स्पेशल है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको 5 इंच का 720p डिस्प्ले मिल रहा है, 1.4 GHz का मीडियाटेक का प्रोसेसर मिल रहा है। रैम रोम की बात करते हैं 2 GB की रैम मिल रहा है, 16 GB की स्टोरेज के साथ ये आ रहा है। एंड्रॉइड मास मिलो के ऊपर आ रहा है, डुअल सिम सपोर्टेड है। कैमरे की बात करते हैं तो 8 MP का रियर कैमरा मिल रहा है, 5 MP का फ्रंट फेसिंग कैमरा मिल रहा है। और क्या कुछ मिल रहा है, तो 4G मिल रहा है, वोल्टी मिल रहा है और बैटरी की बात करते हैं 3000 mAh का यहाँ पे आपको बैटरी मिल रहा है। कलर की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको गोल्ड, पिंक, ब्लू कलर में अवेलेबल हो जाएगा लेकिन अभी तक प्राइसिंग के बारे में कुछ यहाँ पे बताया नहीं गया है। अब बात करते हैं Alcatel के बारे में। तो Alcatel ने आज Alcatel Flash नाम से 4 कैमरा वाला फोन लॉन्च कर दिया है। जी हाँ, इसका 4 कैमरा है, सामने की तरफ 2 कैमरा है सेल्फी कैमरा और पीछे की तरफ 2 कैमरा है। तो और क्या कुछ इसका स्पेशल है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको 5.5 इंच का फुल एचडी वाला डिस्प्ले मिल रहा है, ड्रैगन टेल ग्लास का यहाँ पे आपको। तो सबसे पहले स्क्रीन की बात करें तो 5.5 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले मिल रहा है विथ यहाँ पे ड्रैगन टेल का सपोर्ट मिल रहा है, प्रोटेक्शन मिल रहा है। प्रोसेसर की बात करते हैं, डेकाकोर प्रोसेसर मिला है, हेलियो X20 मीडियाटेक का प्रोसेसर मिल रहा है। रैम रोम की बात करें 3 GB की रैम मिल रहा है, 32 GB की स्टोरेज के साथ ये आ रहा है। एंड्रॉइड मास मिलो के ऊपर आ रहा है और हाइब्रिड डुअल सिम सपोर्ट है। कैमरे की बात करते हैं तो जैसे कि बताया था, सामने की तरफ पीछे की तरफ आपको 13 MP का 2 कैमरा मिला है। जी हाँ, 13 MP का एक मोनोग्राम और दूसरा जो है RGB यानी कि जो डेप्थ सेंसिंग कैमरा मिल रहा है। और सामने की तरफ आपको मिल रहा है 8 और 5 का कैमरा कॉम्बिनेशन है, तो सामने की तरफ एक 8 MP का कैमरा और दूसरा जो है 5 MP का कैमरा यहाँ पे आपको मिल रहा है। और सामने की तरफ भी आपको फ्लैश मिल रहा है। और क्या कुछ मिल रहा है, तो 4G मिल रहा है, वोल्टी मिल रहा है, USB टाइप सी केबल यहाँ पे मिल रहा है। और बैटरी की बात करते हैं 3100 mAh का 3100 का यहाँ पे आपको बैटरी मिल रहा है। कलर की बात करते हैं तो ब्लैक और गोल्ड कलर में अवेलेबल हो जाएगा लेकिन अभी तक इसका प्राइसिंग डिटेल्स नहीं आया है। तो बस आज के टेक्निक में इतना ही। और आज ज्यादा बाहर का ही फोन था, ज्यादातर इंडिया के अंदर कुछ फोन आज लॉन्च नहीं हुआ है और जो भी था इंडिया का पहले से बता दिया YouTube Go के बारे में और कुछ कुछ था जो कि उतना खास नहीं था। और जो भी फोन आज लॉन्च हुआ है सब इंडिया बाहर में ही लॉन्च हुआ है। इस वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और इस तरह वीडियो और देखना है और हमारा टेक न्यूज और भी मोबाइल रिलेटेड रिव्यू भी आता है उसको देखने के लिए जरूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।